Good morning, students. Today we will color a musical instrument, guitar. आप जैसे सबको पता ही है कि गिटार किस लिए यूज़ होता है. इट्स अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी भी तरह के गाने में यूज़ होता है, बजाने में यूज़ होता है. सो आज हम इसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द दिस क्लाउड. द गिटार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. नाउ कलर द गिटार यूजिंग ब्राइट शेड्स ऑफ पेंसिल कलर्स. सो वील यूज़ ब्राइट शेड्स ऑफ पेंसिल कलर्स. सो ब्राइट में आपको यूज़ करना है. ब्राइट कलर कौन से हो सकते हैं आपके? येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ये सब हमारे ब्राइट कलर्स हैं. सो हम इसको ब्राइट कलर में कौन सा ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं? मैं ऑरेंज यूज़ कर रहा हूँ. यू कैन यूज़ एनी कलर लाइक येलो, ब्लू, रेड, पर्पल कलर एंड पैरेट ग्रीन ऑल्सो. दीज आर ब्राइट कलर्स. सो आप यूज़ कर सकते हो. मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ. आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो भी कलर करना है वो वन स्ट्रोक में करना है, इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना. तो मैं एक बार आपको डेमो दे देता हूँ कैसे करना है, और फिर साथ साथ आप इसको बना लीजिएगा. ओके, नाउ स्टार्ट. कलर को आपको धीरे करना है, स्पीड में नहीं चलना. अगर आप तेज से कलर तेज चलाओगे सो क्या होगा कि बीच में वाइट स्पेस रह जाएगा. सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बीच में वाइट स्पेस नहीं छोड़ना. जो बच्चे साथ साथ करना चाहते हैं वो साथ साथ करते रहें, और जो बच्चे डेमो के बाद करना चाहते हैं दे कैन डू आफ्टरवर्ड्स. ये देखिए, ये वन स्ट्रोक हो रहा है. वन स्ट्रोक, कोई भी बच्चा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा इसको. जो भी टेढ़ा मेढ़ा करेगा तो उसमें आपको स्ट्रोक्स नज़र आएंगे और वो अनटाइडी लगेगा. सो टीचर आपके मार्क्स कम देगा. जो बच्चा एक्सलेंट लेना चाहता है गिटार कलरिंग में सो वो अच्छे से कलर करे इन वन स्ट्रोक, वन डायरेक्शन एंड स्लोली स्लोली. लेफ्ट टू राइट ओनली, लेफ्ट टू राइट, नॉट अप टू डाउन, बिकॉज इट्स अ हॉरिजॉन्टल पिक्चर. सो हॉरिजॉन्टल पिक्चर जो होती है वो आपकी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ही कलरिंग होती है उसके अंदर. अगर कोई पिक्चर आपकी वर्टिकल है देन वी विल डू अप टू डाउन. कलर को बाहर नहीं निकालना. जैसे सर कर रहे हैं वैसे ही मैं, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपने साथ साथ करते चले जाना है. और आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब आपको लगता है कि बीच में आपका कलर लेड जो है वो ज़्यादा ही इसमें आपका कलर यूज़ हो गया है कलरिंग करते हुए, सो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको आप शार्प कर लें, ठीक है. एंड जो भी आपकी कलर की शेविंग्स हैं वो सारी आपने डस्टबिन में थ्रो करनी है याद से. इन वन स्ट्रोक जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे सो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. कोई भी बच्चा ये ना समझे कि उसको कलरिंग नहीं आती. सो ही और शी कैन डू एनीथिंग. आप कर सकते हो, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. आप प्रैक्टिस करते जाइए तो आपको कलरिंग आपकी अच्छी होती चली जाएगी. हाथ का प्रेशर आपने इतना रखना है कि पेज भी फट ना जाए और कलर भी आपका जो लेड है वो टूटे ना. हाथ का प्रेशर आपने कम रखना है, बट वो ध्यान रखना है कि आपको लेफ़्ट टू राइट ही करना है सो दैट कि वो आपका स्मूथली और एक वन स्ट्रोक वन डायरेक्शन में हो. ओके, सो हेयर विल डू डार्क ब्राउन कलर और लाइट ब्राउन कलर. तो आप, मैं लाइट ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ इसमें, सो आप भी इसमें लाइट ब्राउन कलर यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसका साइड का पार्ट है और वो शेडो में आ जाता है. दैट्स वाई विल यूज़
डार्क ब्राउन कलर, अगेन हेयर ऑल्सो यू हैव टू डू डार्क ब्राउन एज पर द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पेंसिल आप जो आपके पेंसिल कलर्स हैं आप उसको वैसे ही घुमाते चले जाएं, ठीक है. हेयर आई एम यूजिंग पर्पल कलर. आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई इसकी कंपल्शन नहीं दी हुई है, कोई ऐसा नहीं बताया गया कि आपको पर्टिकुलर यही कलर करना है. तो जो आपको अपनी एक्टिविटी के अंदर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको ऊपर की तरफ क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है. सो यहाँ पे पेंसिल कलर का यूज़ बोला गया है तो हम यहाँ पर पेंसिल कलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर कोई पर्टिकुलर कलर बोला जाएगा तो आप वहाँ पर कलर फिल करेंगे, माइंडेड इसकी चीज़ का ध्यान रखना है आपने. नेक्स्ट हेयर, हेयर ऑल्सो आई एम यूजिंग, हेयर ऑल्सो आई यूज पिंक कलर सो इट विल लुक नाइस. सी स्मूथली स्लोली एंड वन डायरेक्शन. यस गुड. एंड हेयर आई एम यूजिंग पर्पल कलर फॉर इट्स शेडो पार्ट. ओके. और इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि जो आपका कलर है वो आउटलाइन से बाहर ना निकले. बहुत ध्यान से करना है कि आउटलाइन से बाहर ना निकले. स्लो करना है आपको, ध्यान रखना है चीज़ का. एंड पिंक एंड ऑरेंज कलर आई एम फीलिंग हेयर एंड अगेन ऑरेंज की जो शेडो है वो बनेगी आपकी ब्राउन से. थोड़ा ब्राउन से इसकी शेडो बना दीजिए और पिंक की हम बना रहे हैं पर्पल से. सो सी हेयर नाउ इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट. जो आपको लगता है कि कहीं पे वाइट स्पेस रह गए हैं तो आफ्टर आप इसको ठीक कर सकते हो यूजिंग योर कलर कॉम्बिनेशन. ये देखो, सो हेयर इज गिटार इज रेडी. यू कैन सी इट, वन स्ट्रोक वन लाइन और आउटलाइन में देखिए बाहर कहीं नहीं निकला. चेक करिए इस चीज़ को कि बाहर ना निकले. और अगर किसी भी बच्चे का थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है सो आप उसको रब कर लीजिए आराम से, ठीक है, स्मूथली रब कर लीजिए. ओके, टेक केयर गाइज़.